टॉर्फलीज फॉर्मूला। टॉर्फलीज एक साइंटिस्ट था जिसने एटमोस्फेरिक प्रेशर पे काम किया था, हमने पहले भी इसका नाम सुना। ये कहता है मैं भी निकाल लूंगा वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स, तुम भी निकाल लो, वैसे तुम्हें निकालने की जरूरत नहीं, हमने निकाल ली √2gh। वो कहता है मैं भी निकालूंगा और लिक्विड भी एक लूंगा, लेकिन मैं वाटर के ऊपर एटमोसफेयर नहीं लूंगा, मैं तो क्लोज कंटेनर लूंगा, और यहाँ पर जो एयर है उसका अपना ही प्रेशर होगा पी। कोई गैस भी डाल सकता हूँ मैं, और गैस का प्रेशर भी हो सकता है पी, एयर भी हो सकती है, एयर का प्रेशर है पी पर एटमोसफेयर नहीं है। तो मैं भी इस केस में सॉल्व करना चाहता हूँ, और मैंने होल कहाँ पर किया, एट हाइट ऑफ एच डैश, और लिक्विड की हाइट होल से कितनी है, एच। क्लियर है यहाँ तक? तो आप यहाँ पर क्या करें, 1 और 2 पॉइंट लें, 1 और 2 पॉइंट पर बर्नौलीज लगा दें जैसे हमने किया। आप अगर ये सोच रहे हैं मैं शॉर्टकट लगा दूंगा यहाँ पर, नहीं चलेगा ना, √2gh का शॉर्टकट चल ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ऊपर से प्रेशर पी एटमोसफेयरिक की जगह पी हो चुका है। तो जब तुम बर्नौलीज में लगाओगे तो वो रिजल्ट आ नहीं पाएगा जो तुमने स्टैंडर्ड किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर चेंज हो चुका है। तो तुम क्या करो, 1 और 2 पॉइंट लो, 1 और 2 पॉइंट पर बर्नौलीज लगा दो, हाइट को तो कैंसिल कर ही दो, प्रेशर बोलो P1 पे क्या होगा, लिक्विड का प्रेशर क्या होगा H ρg, और एयर का प्रेशर क्या है P, तो क्या बनेगा P+H ρg बाय रो। और बाहर निकलते लिक्विड हवा में आ गया तो ऑब्वियसली क्या होगा, P2 की जगह P एटमोस्फेरिक, अंदर की वेलोसिटी 0 और यहाँ पर एफ्लक्स। इसे ब्रेक कर लो, खैर ये तो रिपीट ही किया है, इसको एक टर्म इसको लेफ्ट पे ले जाओ, तो इसको लेफ्ट पे लेके जाओगे तो ये टर्म में से ये वाली टर्म माइनस हो गई, रादर इसको भी ब्रेक कर लो P/ρ H ρg/ρ, तो सिंप्लीफाई करके ये टर्म आ गई। 2 को राइट साइड पे ले जाओ, अंडर रूट ले लो, आंसर आ गया, आंसर है। और टॉसली कहते हैं कि अगर ये ओपन टू एटमोसफेयर है तो P क्या बन जाएगा, P क्या बन जाएगा, P एटमोसफेयर, ये टर्म क्या हो जाएगी, कैंसल, तो आंसर वही आ जाएगा √2gh। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि टॉर्सलीज की इसमें क्या प्रॉब्लम है। और टॉर्सली ने सिर्फ यही नहीं, टॉर्सली ने एक और भी बात कही थी। टॉर्सली ने यह बात कही थी कि अगर सपोज करो आपके पास कोई भी एक कंटेनर है और आपने एक होल को यहां पे कर दिया एट अ हाइट ऑफ h, वाटर का लेवल h है, तो वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स की वैल्यू क्या आएगी, √2gh। तो टॉर्सली ने कहा था कि ऐसा लगता है जैसे किसी ने एक बॉडी को ड्रॉप कर दिया फ्रॉम हाइट ऑफ एच, और जो वेलोसिटी अंडर ग्रेविटी उसने एक्वायर की √2gh, पानी के फ्लक्स की वेलोसिटी भी एग्जैक्टली सेम ही तो है। ऐसे ही लग रहा है जैसे एच हाइट से पानी गिर गया फ्री फॉल में, तो वो 2gh का अंडर रूट वेलोसिटी एक्वायर करेगा, सेम वेलोसिटी ये भी एक्वायर कर रहा है। तो पर उसका फॉर्मूला इस तरीके से है फ्लक्स का, ठीक, इसको भी याद नहीं करना, पता नहीं आना है कि नहीं आना, पर आप ठीक है, मैंने बुक्स में गिवन है तो मैंने करवा दिया।